श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आप में से कई समस्या को लेके आते हैं कि आपको लगता है कि आप पर किसी ने वशीकरण कर दिया है या किसी तरीके का सम्मोहन या माया जाल का प्रयोग किया है आज जो मैं एक बहुत ही सरल सा विधान आप लोगों को बता रहा हूं ये इसी तरीके के तंत्र को काटने के लिए या फिर उसको वापस भेज देने के लिए होता है माया जाल कैसे किया जाता है या फिर किसी पे वशीकरण का प्रयोग कैसे होता है मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारा जो सामग्री होता है जो हवन सामग्री का प्रयोग होता है उसका एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है जैसे अगर किसी पर वशीकरण का प्रयोग करना हो तो उसके नाखून या बाल का प्रयोग होता है उस व्यक्ति पे वशीकरण करने के लिए तो जब वो नाखून या वो बाल लेता है एक साधक या कोई भी तांत्रिक तो उसके साथ कुछ और वस्तुओं को मिलाता है और ऐसे वस्तुओं को मिला करके जो उसका मनोभाव है वो उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है तो इंसान चाहे तो किसी के वश में हो जाता है या बहुत डिप्रेशन में चला जाता है ऐसे में क्या करना चाहिए एक मंत्र है हनुमान जी का इसको आप एक शनिवार में सिद्ध कर सकते हैं सबसे जो आसान तरीका होता है किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करने का जिसका विधान प्राप्त ना हो और जो गुरु मुख से आया हो कि एक दीपक जलाइए सरसों तेल का तीन अगरबत्ती चलाइए दक्षिण की तरफ आकाश मार्ग में देखते हुए एक हज़ार बार एक रात्रि में उस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए तो उसी तरीके से इस मंत्र की हम लोग साधना करेंगे दक्षिण दिशा में आकाश को देखते हुए एक दीपक जलाएंगे सरसों तेल का तीन अगरबत्ती रखेंगे एक हजार बार इस मंत्र का जाप करेंगे क्या है मंत्र मंत्र है ओम एक ठो सरसो सौला राई मोरो पटवल को रोजाई खाए खाए पड़े भार जे करे ते मार उलट विद्या ताही परे शब्द साचा पिंड काचा हनुमान का मंत्र साचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा फिर से एक बार मंत्र सुनिए ओम एक ठुसर सो सौला राई मोरो पटवल को रोजाई खाए खाए पड़े भार जे करे ते मर उलट विद्या ताही पर परे शब्द साचा पिंड काचा हनुमान का मंत्र साचा फूरो मंत्र ईश्वरा वाचा जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये क्रिया हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा इस मंत्र को पहले एक शनिवार में सिद्ध कर लेंगे ठीक है उसके बाद थोड़ी सी राई लेंगे हाथ में बाएं हाथ में थोड़ा सा सरसों लेंगे काला सरसों उसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे ठीक है और उसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए उस व्यक्ति के ऊपर से सात बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपने मुट्ठी को घुमाएंगे और उसके बाद जलते हुई आग में या भट्टी में लेफ्ट हैंड से बहुत तेज बहुत तेज झटके के साथ इसको फेंक देंगे ऐसा एक बार करने से ही असर दिखने लगता है लेकिन किसी व्यक्ति पर अगर ज्यादा है तंत्र का असर ज्यादा है तो उसको सात दिन तक करते हैं सात दिन से ज्यादा इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए <coughs> कई बार बहुत लोग जो वशीकरण में होते हैं जिन पे वशीकरण का प्रभाव रहता है ऐसे लोगों के लिए जब वो सोए रहे रात्रि के समय में तो उनके सर से पाँव तक इस प्रयोग को करना चाहिए मतलब सर से शुरू करना है पूरे पाँव के चारों तरफ से घुमा करके और उसके बाद इस मंत्र को आप बोल करके और जो हाथ में आपकी सामग्री है उसको भट्टी में डाल दें और जो नॉर्मल व्यक्ति है या खुद के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फिर सिर्फ सर के ऊपर से इसको घुमाएंगे देखो काला सरसों इसमें तीन चीजों का प्रयोग है एक तो राई का प्रयोग है राई का प्रयोग क्यों होता है राई का प्रयोग होता है कि कोई भी अगर आपके एनर्जी सिग्नेचर में दूसरा एनर्जी सिग्नेचर है जो अनवांटेड है या नेगेटिव है वो उसको पचा लेता है ठीक है नमक का प्रयोग है कोई भी नेगेटिव एनर्जी को वो काट देता है ठीक है और सरसों का प्रयोग क्या होता है कि ये ट्रेस नहीं छोड़ता है मतलब कि आपने जैसे ही एनर्जी को हटा दिया जो कि अनवांटेड था अब फिर से उस एनर्जी को जो प्योर बॉडी है उसका ट्रेस नहीं मिले इसके लिए हम लोग काला सरसों का प्रयोग करते हैं बहुत बार आपने देखा होगा कि तांत्रिक लोग जब मसान से निकलते हैं तो भी काला सर से छोड़ते जाते हैं उसका यही कारण होता है कि ट्रेस ना मिले आज के लिए इतना ही बेसिक साधना सीखने के लिए मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसको इंस्टॉल कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आपको दिखेगा और उस प्रोफाइल पर जाइए और आप मुझे कॉल कर सकते हैं बहुत अर्जेंट हो तो मुझे नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव पर व्हाट्सअप कर सकते हैं बिना अर्जेंसी के मैसेज ना करें आज के लिए इतना ही माँ भगवती आप सभी को वशीकरण की शक्ति दे ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश